बेटा कलम ने क्या देख लिया था? कलम ने इंट्रोडक्शन पार्ट एल्डिहाइड के रूल्स का देख लिया था, नेमिंग देख लिया था बेटा, और हमने ये देखा था कि एल्डिहाइड इज कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव देन अ कीटोन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक इफेक्ट। बेटा ये हमने देख लिया था कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन अ कीटोन। ठीक है, जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड इन जनरल इन जनरल इज मोर रिएक्टिव देन अ केटोन, इज मोर रिएक्टिव देन अ केटोन देन अ केटोन। कौन से फैक्टर्स की बात की थी बेटा हमने? हमने देखा था वी हैव टेकन इट कंक्लूजन स्टेरिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ये दोनों इफेक्ट से बेटा क्या था बेटा, कि जो आपका एल्डिहाइड होगा इट इज कंपेरेटिवली मोर रिएक्टिव देन कीटोन। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात कर लो या बेटा स्टेरिक इफेक्ट की बात कर लो, स्टेरिक इफेक्ट की बात कर लो। ठीक है, तो हमने देख लिया था जो फर्स्ट रिएक्शन देख रहे थे बेटा, दैट इज गेनार्ड रिएजेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो गेनार्ड का प्रिपरेशन क्या होता है कि अगर आप बेटा किसी भी अल्काइल हैलाइड में, चाहे वो अल्काइल हैलाइड हो चाहे वो फिनाइल हैलाइड हो, अगर आप बेटा इसमें मैग्नीशियम डालोगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, आपको क्या मिल जाएगा? यू विल गेट अ गेनार्ड रिएजेंट, RMGX। अब इसी की रिएक्शन देख रहे थे कल बेटा, तो RMGX को बेटा क्या लिख सकते हो? R निगेटिव MGX प्लस। तो यहाँ पे बेटा क्या है, कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल है, तो कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या देगा, रिएक्शन क्या होगा बेटा, जो मैकेनिज्म होगा वो होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो देख भी रहा बेटा यहाँ पे कि जो कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल है इट इज अटैकिंग द कार्बोनाइल फंक्शनैलिटी। पिछली क्लास में देखा था बेटा फॉर्मल्डिहाइड के केस में आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट अ 1 डिग्री अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड बेटा 1 डिग्री अल्कोहल देगा बेटा, और जो हायर एल्डिहाइड होंगे इट विल गिव यू 2 डिग्री अल्कोहल। अगर आप हायर एल्डिहाइड की रिएक्शन कराओगे, हायर एल्डिहाइड वुड गिव यू 2 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल बेटा चाहिए तो केटोन में यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैकेनिज्म दे रखा है, ये हमने पिछली क्लास में देख लिया था। अब इस नेक्स्ट स्लाइड देखोगे, दैट इज अ रिएक्शन ऑफ हायर एल्डिहाइड विद अ गेनार्ड रिएजेंट, हायर एल्डिहाइड विद अ गेनार्ड रिएजेंट। क्या मिलेगा बेटा, यू वुड गेट अ 2 डिग्री एल्कोहल। रिएक्शन का मैकेनिज्म बहुत सिंपल है बेटा, ये नेगेटिव पार्ट है और ये बेटा क्या है इसका पॉजिटिव पार्ट है, और ये बेटा ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव है और ये यहाँ पे कार्बन पे डेल्टा प्लस है। तो ये नेगेटिव वाला पार्ट इस पे अटैक कर लेगा और ये प्लस वाला पार्ट बेटा ऑक्सीजन पे जाके ऐड हो जाएगा। विल हैव दिस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट H3O+ हो गया बेटा, तो क्या होगा H3O+ के केस में क्या होगा कि ये जो O नेगेटिव है इट विल एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम H3O+। आप यहाँ पर वाटर भी यूटिलाइज कर सकते हो या हाइड्रोनियम आयोन यूटिलाइज करोगे आप, यू विल गेट दी corresponding alcohol। ये इसका मैकेनिज्म था, तो सिंपली क्या हो रहा है बेटा, इट इज अ केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये सारे बेटा एग्जांपल आपको नोटबुक में डालना है। थर्ड देखो बेटा, दैट इज अ रिएक्शन ऑफ गेनार्ड रिएजेंट विद अ कीटोन। कीटोन बेटा ऑलरेडी दो अल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं, अब गौर से देखो क्या डिफरेंस क्रिएट होगा, और ये गेनार्ड बेटा अपने साथ एक और अल्काइल ग्रुप लेकर आ रहा है, तो नॉर्मल सी बात है वी वुड गेट अ 3 डिग्री अल्कोहल। एक अल्काइल ग्रुप ग्रेनार्ड आपको कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है और दो अल्काइल ग्रुप बेटा केटोन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। सेम मैकेनिज्म अप्लाई करना है और इवेंचुअली आपको क्या मिल जाएगा बेटा, यू विल गेट अ 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, इससे मान लो कि मैंने आपको कहा क्या कि आपको आपके पास ये कीटोन है, एस्ट्रोफिनोन है, ये अबाउट अ कीटोन विच इज एस्ट्रोफिनोन, और आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो, आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो बेटा CH3CH2MgBr के साथ करा रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये डेल्टा प्लस है ये डेल्टा नेगेटिव है। सेम मैकेनिज्म, आपको पहले एडिशन करानी है, ये मिल जाएगा CO नेगेटिव, काउंटर आयोन है MgBr+, यहाँ पर हो गया बेटा CH3, और एक अल्काइल ग्रुप बेटा CH2CH3 बेटा आपका ये नॉट फर्निश कर रहा है। फिर आप इसमें
वाटर या H3O+ डालोगे, यू विल गेट कॉरस्पॉन्डिंग 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल क्या मिलेगा, यहाँ पे कार्बन OH, CH3, CH2, CH3। That is a simple case of nucleophilic addition reaction. Next slide में बेटा reaction of a ketone with Grignard reagent है। ये जो methyl है ये कहाँ से आ रहा है, ये आपका Grignard से आ रहा है। तो देख रहे हो बेटा यहाँ पे जो येलो कलर से डार्किंग कर रखा है, यहाँ पे Grignard का ही पार्ट है, एंड यू आर गेटिंग अ 3 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है बेटा, ब्यूटेनल की रिएक्शन फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कैसे बनाते हो, बेंजीन आपके पास है, इसकी करा लोगे ब्रोमिनेशन, तो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe आपको ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। ब्रोमोबेंजीन इसकी रिएक्शन बेटा Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यू विल गेट अ Grignard रिएजेंट CCH5MgBr। इसे Grignard को बेटा आप यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हो क्योंकि ये बेटा हायर एल्डिहाइड है, यू विल गेट अ 2 डिग्री अल्कोहल। यहाँ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यू विल गेट अ 2 डिग्री अल्कोहल। तो आई होप यार इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपली जो आपका ये मैकेनिज्म है, इट इज फॉलोइंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। सिंपली न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है क्योंकि कार्बन न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में आओगे, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। देखोगे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल ले रखा है, मैकेनिज्म भी शो कर रखा है, सेकेंडरी अल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड एंड टर्शियरी अल्कोहल फ्रॉम कीटोन। ठीक है बेटा, यही मैकेनिज्म हो रहा है जो मैंने आपको बता दिया है। दिस इज अ मैकेनिज्म विच इज हैपनिंग ओवर हियर। 3 डिग्री अल्कोहल में देखोगे बेटा यहाँ पे ये मैकेनिज्म का आपको रेप्लिकेट करना है। कुछ एग्जाम्पल मैंने ले रखा है, अब देखोगे कौन सा है बेटा, ये एल्डिहाइड फंक्शनैलिटी है क्योंकि आप एच लगा हुआ है, हायर एल्डिहाइड है, 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका एल्डिहाइड का सेंटर है। ठीक है, अगर बेटा आप इसमें रेजिडेंस कराओगे, मेरी बात बहुत ध्यान सुनोगे, आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा, फिर इसको बेटा DPA में देखना है। अगर आप इस मॉलिक्यूल में रेजिडेंस कराओगे तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो गया और ये पाई इलेक्ट्रॉन बेटा इस कार्बन पर शिफ्ट हो गया, तो इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। O पे आ गया नेगेटिव और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड एंड इस कार्बन पे आ गया प्लस। ठीक है, तो अब देखो बेटा यहाँ पे भी डेल्टा प्लस क्रिएट हो रहा है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और यहाँ भी प्लस चार्ज है। अब ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, अब वो इस पे भी अटैक कर सकता है बेटा और इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है। दिख रहा है बेटा क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज बिल्डअप हो रहा है। अब देखो बेटा अटैक जो होगा, आप इसको वन ले लो, वन, या इसको ऑक्सीजन को वन ले लो, इसको टू ले लो, इसको थ्री ले लो और इसको फोर ले लो। तो अटैक या तो बेटा सेकंड सेंटर पे होगा या फोर्थ सेंटर पे होगा, क्योंकि बेटा ये Mg जो है, MgCl जो है बेटा, ये आपका हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल है बेटा, तो ये हार्ड सेंटर को सीक करेगा। यहाँ पर हमें क्या लगाना है, इसको बेटा डिटेल में हमें देखना है, HSAB प्रिंसिपल यहाँ पर लगाना है। तो जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है बेटा वो हार्ड सेंटर को सीक करता है। यहाँ पे जो प्लस चार्ज है प्लस प्लस से ज़्यादा होगा क्योंकि ये ऑक्सीजन से डायरेक्टली बेटा अटैच है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। तो यहाँ पर जो डेल्टा प्लस चार्ज होगा बेटा वो एस प्लस से बेटा ज़्यादा होगा, बिकॉज ये कार्बन बेटा कॉन्जुगेशन में है और ये कार्बन बेटा ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है। तो यहाँ पे जो प्लस चार्ज है बेटा वो ज़्यादा है, डेट मीन्स व्हाट, ये जो कार्बन हो गया ये हो गया हार्ड सेंटर हो गया, ये कार्बन क्या हो गया, हार्ड सेंटर हो गया। और ये जो कार्बन इससे प्लस से बिल्डअप हो गया बेटा, ये हो गया सॉफ्ट सेंटर क्योंकि ऑक्सीजन से दूर चला गया है। तो बेटा जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल है बेटा हार्ड सेंटर को सीक करता है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल हार्ड सेंटर को सीक करता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, HSAB प्रिंसिपल बोलते हैं, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। HSAB क्या होता है, हार्ड सॉफ्ट, ये बेटा पूरा मैं आपको एक सेक्शन पढ़ाऊंगा इसी टॉपिक में। ठीक है, तो अभी बस मैं आपको बता रहा हूँ, एक ग्लिम्स दे रहा हूँ, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल बोल, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है बेटा, जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल है वो हार्ड सेंटर पे ही जाएगा, जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है वो सॉफ्ट सेंटर पे जाएगा। ठीक है, तो ये सेंटर हो गया सॉफ्ट
ये वाला सेंटर सॉफ्ट हो गया बेटा, और ये जो सेंटर है बेटा जो ऑक्सीजन से ब्रिकली अटैच वो हार्ड हो गया है। तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि गेनार्ड पे बेटा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल विल सीक द हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो ये जो MeMgCl है बेटा, Me बेटा इसी पे जाकर अटैक करेगा, इस पर अटैक नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको बेटा बोलते हैं 1-2 एडिशन वर्सेस 1-4 एडिशन, 1-2 एडिशन वर्सेस 1-4 एडिशन, जो बेटा पूरा एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको इसका, 1-2 एडिशन वर्सेस 1-4 एडिशन। तो अभी कौन सा एडिशन हो रहा है बेटा? अभी जो एडिशन हो रहा है 1-2 एडिशन हो रहा है। 1-2 एडिशन क्यों हो रहा है? क्योंकि हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, हार्ड सेंटर पे जाएगा बेटा, इसलिए प्रोडक्ट बेटा क्या करोगे आप, बनाओगे 1 और 2 सेंटर के कॉरस्पॉन्डिंगली। तो ये हो गया बेटा आपका 1-2 एडिशन प्रोडक्ट हो गया, 1-2 एडिशन प्रोडक्ट। बस आप ये इंट्रोडक्शन डाल दो, ये जो 1-2 एडिशन वर्सेज 1-4 एडिशन है इसी चैप्टर में भी देखना है। तो प्रोडक्ट अपन बना लेंगे, 1-2 एडिशन प्रोडक्ट बना लेंगे। गेनार्ड बेटा आपका हार्ड सेंटर होता है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल है बेटा, हार्ड सेंटर को सीक करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, ये तो आसान है, ये दिस वन साइक्लोहेक्सेनॉन है। अब देखो बेटा गेनार्ड की तरह बेटा एक और हमारे पास ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड होता है, इसको बेटा हम अल्काइल लिथियम कहते हैं। तो प्रिपेयर कैसे करते हैं बेटा? RX रिएक्शन विद लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, RX अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम ड्राई ईथर, ठीक है। आपको क्या मिल जाएगा? RLi मिल जाएगा, और इसको बेटा क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोलिथियम बोलते हैं, ऑर्गेनोलिथियम। सेम एज डेट ऑफ गेनार्ड रिएजेंट, ये भी क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक क्यों हो गया बेटा? क्योंकि R से लिथियम डायरेक्टली अटैच है, लिथियम पे आएगा डेल्टा प्लस, R पे आएगा डेल्टा नेगेटिव। तो जब भी एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बेटा कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा तो उसे क्या बोलते हो बेटा? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और आपको याद होगा बेटा इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को हमने एल्केन्स में बनाया था, और फिर बेटा यहाँ से हमने गिलमन रिएजेंट बनाया था R2CuLi, ठीक है। ये RLi है बेटा, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है। अब देखो यहाँ पे आपने गेनार्ड की जगह RLi यूटिलाइज कर लिया, सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा, Li पे प्लस वन है और यहाँ पे कार्बन का नेगेटिव है, नेगेटिव वाला पार्ट बेटा प्लस को सीक करेगा और जो प्लस वाला पार्ट है वो नेगेटिव पे जाएगा, एडिशन हो जाएगा। सेम मैकेनिज्म एज दैट ऑफ गेनार्ड रिएजेंट, कोई डिफरेंस नहीं होगा, सेम मैकेनिज्म एज दैट ऑफ RMgS, सेम थिंग रेप्लिकेट करना, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा देखो एक कंपाउंड हमने ले रखा है कीटोन, कीटोन की रिएक्शन गेनार्ड रिएजेंट के साथ, ये हो गया पार्ट नेगेटिव, ये हो गया पार्ट प्लस, नेगेटिव वाला पार्ट बेटा प्लस को सीक करेगा और नेगेटिव वाला ऑक्सीजन बेटा ये MgBr को ले जाएगा। हाइड्रोलिसिस करोगे आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड विद द कीटोन और एनएलडिहाइड। तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का केस है, सिर्फ एक बेटा केस बताया 1-2 एडिशन वर्सेस 1-4 एडिशन। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको बेटा हम इसी सेक्शन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे। अब बेटा कल मैंने ये रिएक्शन को बताया था, रिएक्शन ऑफ CO2 विद गेनार्ड रिएजेंट, बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है। CO2 आपका एक पोटेंशियल इलेक्ट्रोफाइल होता है, CO2 का स्ट्रक्चर लीनियर होता है। अभी इलेक्ट्रोफाइल क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा, तो ये बॉन्ड क्लीव हो सकता है और इस पर क्या चार्ज बिल्टअप हो जाएगा? प्लस। अब ये बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया, नाउ इट को बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो जब भी बेटा आप ये गेनार्ड रिएजेंट को, जब भी आप इस गेनार्ड रिएजेंट को क्या करोगे, आप ट्रीट करोगे विद एन ये हो गया बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। तो रिएक्शन विद गेनार्ड रिएजेंट क्या हो जाएगा? रिएक्शन विद गेनार्ड रिएजेंट क्या हो जाएगा? गेनार्ड बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को सीक करेगा, गेनार्ड विल सीक द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो ये RMgX की रिएक्शन कराओगे आप CO2, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट, यहाँ पे प्लस पार्ट बेटा, ये नेगेटिव वाला पार्ट आकर कार्बन को सीक करेगा और ये जो नेगेटिव, ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया बेटा ये यहाँ से MgX को ले जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनाओगे? एक डबल बॉन्ड रिटेन्ड है,
एज इट इज है बेटा, ओ के साथ क्या लग गया, ओ नेगेटिव, इससे काउंटर आयन क्या आ गया, एम जी एक्स प्लस आ गया और यहाँ पे बेटा आ रहा है। अब इसकी आप हाइड्रोलिसिस करोगे एस थ्री ओ प्लस या वाटर के प्रेजेंस में, ओ नेगेटिव एच प्लस ले जाएगा बेटा और अब क्या मिल जाएगा, यू विल गेट अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कंटेक्स्ट ऑफ मेकिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, यू कैन ट्रीट दिस रेनार्ड रिएजेंट विद अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोलिसिस करोगे बेटा आपको क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। जब भी एसिड प्रिपेयर करना होगा बेटा, इट इज वन ऑफ द मेथडोलॉजी थ्रू विच वी कैन प्रिपेयर एन एसिड फ्रॉम अ रेनार्ड रिएजेंट मॉलिक्यूल। देखो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये जो मैंने लिखा रखा है, ये एक आपका एक एल्काइल हैलाइड है। अब मैं कह रहा हूँ क्या कि इस एल्काइल हैलाइड को बी आर को हटाकर यहाँ पे सी ओ एच लाओ। जैसे आपको दिखा कि बी आर को हटाकर सी ओ एच लाना है, आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे ग्रेनार्ड बना लेते हैं, ग्रेनार्ड की रिएक्शन सी ओ टू से कराएंगे, काम हो गया है। तो अपन क्या करेंगे, इसका ग्रेनार्ड रिएजेंट बना लेंगे बेटा। अब ये हो गया नेगेटिव पार्ट, ये हो गया प्लस पार्ट। अब इसको ट्रीट करोगे सी ओ टू के साथ, सेम मैकेनिज्म रेप्लिकेट करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, यू विल हैव दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है बेटा, यहाँ पे सी एल लगा हुआ है, यहाँ पे सी ओ एच ग्रुप लगाना है। देखो यहाँ पे सी ओ एच ग्रुप लगाना है, ग्रेनार्ड बना लेंगे, ग्रेनार्ड की रिएक्शन सी ओ टू के साथ, हाइड्रोलिसिस करोगे, यू विल गेट अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये दोनों एग्जाम्पल अपने नोटबुक में जोर नोट करना बेटा। और अगेन बेटा इसको जब कार्बोक्सिलिक एसिड में आएंगे, इस रिएक्शन को फिर से देखना होगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ तो कोई डाउट है बताओगे पहले, यहाँ तो कोई भी डाउट है, एक बार अटेंडेंस ले लो, या तो कोई भी डाउट है देखोगे। हमने क्या देख लिया बेटा, रिएक्शन ऑफ ग्रेनार्ड रिएजेंट विद एल्डिहाइड कीटोन एंड अ कार्बोक्सिलिक विद एन CO2 मॉलिक्यूल, सबने देख लिया है। ये दोनों एग्जाम्पल पे आप जॉट डाउन करोगे, आप नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे बेटा। नेक्स्ट स्लाइड क्या है बेटा, इट इज कंसोलिडेशन है, जो मैंने आपको एल्कोहल में बताया था। एडिशन ऑफ सी ओ टू गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, किसके ऊपर बेटा, ग्रेनार्ड रिएजेंट के साथ अगर आप रिएक्शन करा रहे हो, रिएक्शन ऑफ सी ओ टू। अगर आप यहाँ पे देख लो, अगर आपके पास ग्रेनार्ड रिएजेंट है और आप इसको ट्रीट कर रहे हो सी ओ टू के साथ और हाइड्रोलिसिस करा रहे हो एस पी ओ प्लस के साथ बेटा, अब प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आर सी डबल बॉन्ड हो। अगर आप ग्रेनार्ड की रिएक्शन बेटा आप फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराओगे, ठीक है, और फिर बेटा क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, अब वो क्या मिलेगा, यू विल गेट अ 1 डिग्री एल्कोहल। ये कंसोलिडेशन है यहाँ बेटा। अगर ग्रेनार्ड की रिएक्शन आप हायर एल्डिहाइड के साथ कराओगे, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे बेटा, अब वो क्या मिलेगा बेटा, यू विल गेट अ 2 डिग्री एल्कोहल। लाइकवाइज अगर बेटा ग्रेनार्ड की रिएक्शन आप कीटोन के साथ कराओगे तो आपको बेटा 3 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। तो ये मैंने चारों पॉइंट्स यहाँ पर डाल रखे हैं, आप इसको अच्छी तरह से मैच करोगे नोट्स के अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड देखो बेटा, यहाँ पे दो मैंने क्वेश्चन डाला कि ये आपको घर पर ट्राई करना है, मैं अभी नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन वैसे बता देता हूँ, वी सॉ 3-methyl-3-hexanol कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ 2-pentanol विद एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कीटोन के साथ रिएक्शन करा रहे ग्रेनार्ड का। What two other combination of ketone and Grignard reagent could be used to prepare the same tertiary alcohol? That means what कि यहाँ पे जो आपको alcohol दिया गया है, उससे जो alkyl groups attach है बेटा, वो सारे different alkyl groups होंगे। इसलिए तीन possibility होगी। क्या बेटा, 3-methyl-3-hexanol। तो 3-methyl-3-hexanol है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सही है ना? और यहाँ पे लगा दिया तुमने उसके। एक इन्होंने प्रोसीजर बता रखा है, अब आपको रिमेनिंग दो प्रोसीजर बनाना है। बहुत ही आसान सा बेटा, एक बार इसका ग्रेनार्ड बना लो, एक बार मिथाइल का ग्रेनार्ड बना लो, एक बार इथाइल का ग्रेनार्ड बना लो। तीन टाइप के ग्रेनार्ड बनेंगे, एक बार मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एक बार प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एक बार इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सबकी कॉम्बिनेशन लेकर बेटा यू कैन मेक दिस मॉलिक्यूल बाय 3 different ways। ये बेटा मैंने अल्कोहल में इस चीज़ को एक्सप्लोर किया है, उसी के यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन डाला था, इसको जाकर ट्राई करोगे घर पर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है बेटा, हाउ मेनी आइसोमर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ 2-pentanol विद इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। 2-pentanol स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, 5 कार्बन का चेन है, सेकेंड पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है बेटा,
इसकी रिएक्शन करा रहे हो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। और कह रहा है क्या कितने प्रोडक्ट मिलेंगे जब आप इसकी रिएक्शन इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करा रहे हो और फिर बेटा उसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, कर लोगे? आई होप सो कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। थर्ड क्वेश्चन देखोगे हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ ऑक्टेन, ये भी कर लोगे बेटा। ये तीनों क्वेश्चन आपको खुद करना है, आराम से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन। अब बेटा हम आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आते हैं, जो मैं एसिड में बेटा आपको फिर से एक बार रिपीट कराऊंगा, क्योंकि आगे का चीज़ कभी कोई पीछे की तरफ आता है। ये मैंने आपको अल्कोहल में भी बताया, मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन ऑफ एन एस्टर विद अ ग्रेनार्ड रिएजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एस्टर विद अ ग्रेनार्ड रिएजेंट। अब देखो एस्टर की जो केमिस्ट्री होती है एल्डिहाइड कीटोन से थोड़ी अलग होती है। क्या अलग होती है देखोगे, स्टेप नंबर वन तो एज इट इज वही होगा बेटा जो एल्डिहाइड कीटोन में हुआ था। क्या होगा बेटा, इसका जो नेगेटिव वाला पार्ट है, नेगेटिव वाला पार्ट बेटा प्लस पे चला जाएगा और ये प्लस वाला पार्ट बेटा नेगेटिव पे चला जाएगा, एडिशन हो गया। तो ये आपको मिल गया एडिशन प्रोडक्ट, मिल गया एडिशन प्रोडक्ट मिल गया। लेकिन गौर से देखो बेटा, इस इंटरमीडिएट में ओ सी एस डी ग्रुप है बेटा, अरे ओ जो सी एस डी ग्रुप है बेटा इक्विलिब्रियम पे ये लीव कर सकता है। तो ये क्या करेगा, अपना लोन पे इस कार्बन को देगा और ये यहाँ पे ओ सी एस डी ग्रुप लीव कर जाए, क्योंकि जो रिएक्शन है बेटा वो क्या है बेटा थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड है। तो इक्विलिब्रियम पे बेटा ये ओ सी एस थ्री लीव कर सकता है, तो क्या हो जाए माइनस ओ सी एस थ्री नेगेटिव, ये निकल गया। ये जैसे निकलेगा आपको मिल जाएगा कीटोन, और कीटोन की रिएक्टिविटी बेटा मैंने आपको बता रखा है एस्टर से ज़्यादा होती, कल ही बताया था। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या बताया था, एसिड क्लोराइड सबसे ज़्यादा, देन एसिड एनहाइड्राइड, देन उसके बाद बेटा एल्डिहाइड, देन कीटोन, देन एसिड एस्टर कंपैरेबल, देन अमाइड, द लीस्ट वन इज कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। तो जैसे बेटा आपको एस्टर से कीटोन मिला, अब ये और भी रिएक्टिव हो गया, ग्रेनार्ड बेटा तुरंत इस कीटोन को अटैक करेगा बेटा। और जो हमने पीछे वाले स्लाइड में किया था मैकेनिज्म वही यहाँ पर एप्लीकेट करोगे, यू विल गेट दिस इंटरमीडिएट। और बेटा यहाँ पर कोई भी लिविंग ग्रुप नहीं है, क्यों लिविंग ग्रुप नहीं है बेटा, क्योंकि सभी लिविंग ग्रुप का जो कॉन्जुगेट एसिड है उसका जो पीके वैल्यू है 50 के आसपास है। और जब पीके वैल्यू बेटा बहुत ज़्यादा होता है तो एसिडिटी कम होती है, एसिडिटी कम होगी तो कॉन्जुगेट बेस उसका बेटा हाईली बेसिक होगा, डेट इज नॉट एट ऑल अ लिविंग ग्रुप, ठीक है? तो क्या होगा बेटा, जैसे आप हाइड्रोलिसिस करोगे यू विल हैव अ टर्शियरी अल्कोहल। तो एस्टर की रिएक्शन ग्रेनार्ड रिएजेंट के साथ कितने इक्विवेलेंट कंज्यूम होगा, एक तो इक्विवेलेंट यहाँ पे कंज्यूम हो गया बेटा, एस्टर किस में कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में, और एक इक्विवेलेंट बेटा यहाँ पे कंज्यूम होगा। दैट मींस व्हाट, यहाँ पे जो रिएक्शन कराओगे एटलीस्ट आपको दो इक्विवेलेंट की जरूरत होगी इन ऑर्डर टू कैरी आउट रिएक्शन ऑफ ग्रेनार्ड रिएजेंट विद एन एस्टर। फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यू विल गेट अ कीटोन, सॉरी यू विल गेट अ 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि कीटोन से बेटा आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है। ये हो गया मैकेनिज्म बेटा एस्टर के साथ। ये पूरे मैकेनिज्म के सीक्वेंस को देखो, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है जहाँ पर बेटा ओ सी एस सी को बिलीव कर रहा है, क्योंकि रिएक्शन क्या है बेटा थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड है, थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड है। और जब बेटा थर्मोडाइनमिक्स की बात आती है तो वहाँ पर बेटा लिपिबिलिटी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता। लिपिबिलिटी कहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर बेटा रिएक्शन काइनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। रिएक्शन क्या बेटा थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड है, तो बेटा ये मेथॉक्साइड आयन कैन लीव, कोई दिक्कत नहीं है, मेथॉक्साइड आयन तो लीव हो सकता है, क्योंकि मेथॉक्साइड की जो पीके वैल्यू होगी एसिड की बेटा 15 से 16 के बीच में, तो लीव कर सकता है क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इट कैन लीव लीव इंटरमीडिएट एक्शन, नो प्रॉब्लम विद इट। तो आपको लीव करेगा तो आपको एस्टर से मिल गया कीटोन, कीटोन से फिर से रिएक्शन होगा ग्रेनार्ड का बेटा, बिकॉज कीटोन इज मोर रिएक्टिव देन एस्टर, और फिर से रिएक्शन होगा ग्रेनार्ड के साथ, फिर हाइड्रोलिसिस करोगे एंड में बेटा यू विल गेट अ 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये हो गया बेटा रिएक्शन ऑफ एन एस्टर विद अ ग्रेनार्ड रिएजेंट टू फॉर्म अ 3 डिग्री अल्कोहल। अब यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल लेंगे, सेकेंड स्लाइड देखोगे, सेकेंड स्लाइड है यहाँ पे क्या बेटा, रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड विद ग्रेनार्ड रिएजेंट, रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड विद ग्रेनार्ड रिएजेंट है बेटा। तो टर्शियरी अल्कोहल आल्सो फॉर्म जब बेटा आप एसिड क्लोराइड की रिएक्शन ग्रेनार्ड रिएजेंट का कराओगे, क्या होगा बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पे दिखा देता हूँ, आर सी ओ सी एल, अगर आप इसमें फर्स्ट इक्विवेलेंट ग्रेनार्ड का डालोगे लेट इट बी आर डैश एम जी एक्स,
प्रोडक्ट क्या बनाओगे, ये हो गया नेगेटिव वाला पार्ट, ये हो गया प्लस वाला पार्ट, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया प्लस, ये आर नेगेटिव इस पर अटैक किया, ये ओपन हुआ, ओ नेगेटिव एम जी एक्स ले गया बेटा, तो क्या मिल जाएगा आर सी सी एल आर डैश, ओ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, काउंटर आई ऑन हो गया एम जी एक्स। अब बेटा देखो सी एल इज अ वेरी वेरी गुड लेवल ग्रुप क्योंकि ये एस सी एल का कॉन्जुगेट बेस है बेटा, ये तो तुरंत निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये क्या मिल जाएगा बेटा आर सी ओ आर डैश, फिर से बेटा क्या मिल गया आपको देखो, यू आर गेटिंग अ कीटोन फ्रॉम एसिड टू राइड। अब ये कीटोन फिर से ग्रिगनार्ड के साथ रिएक्ट करेगा, अब तो मैकेनिज्म जानते ही हो, रिएक्शन ऑफ कीटोन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट, देन वी विल डू द हाइड्रोलिसिस पार्ट, हमें क्या मिल जाएगा, वी विल गेट अ कीटोन, वी विल गेट एन अल्कोहल 3° अल्कोहल, ये मिल जाएगा पार्ट। जो इम्पोर्टेंट जो आस्पेक्ट है बेटा कि जब आप एसिड क्लोराइड की रिएक्शन ग्रिगनार्ड के साथ करा रहे हो तो दिस सी एल इज अ वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप। एंड वाई दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि ये एस सी एल का कॉन्जुगेट बेस है बेटा, एस सी एल कॉन्जुगेट बेस सी एल नेगेटिव आई ऑन है, अब जानते बेटा इसके पीके बिल बहुत कम होता है, तो दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप एक्चुअली, गुड लिविंग ग्रुप। ये बेटा क्या करेगा, इस इंटरमीडिएट को लीव कर देगा और इवेंचुअली आपको क्या मिल जाएगा, विल गेट अ कीटोन, कीटोन विल रिएक्ट विद अनदर इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, आपको मिल जाएगा बेटा एल्कोक्साइड आयन, उसके हाइड्रोलिसिस करोगे देन यू विल हैव अ 3° अल्कोहल। तो बेटा एस्टर और एसिड का पीएच सेम हो गया बेटा, यू आर गेटिंग अ 3° अल्कोहल आउट ऑफ एस्टर एंड एसिड क्लोराइड। यहां पे कितने इक्विवेलेंट चाहिए आपको ग्रिगनार्ड रिएजेंट, यू रिक्वायर टू इक्विवेलेंट, एक तो कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए, कीटोन वहां पर रुकेगा नहीं, कीटोन और रिएक्ट विद अनदर इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट टू फॉर्म अ 3° अल्कोहल। ये मिल गया बेटा आपको प्रॉब्लम, ध्यान देने वाली ये बात है बेटा कि जब भी आपको एसिड क्लोराइड से कीटोन 3° अल्कोहल मिलेगा बेटा, दो अल्काइल ग्रुप जो होंगे बेटा वो ग्रिगनार्ड से कॉन्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, अब वो दोनों सेम होंगे बेटा, ठीक है। ये ध्यान देना है कि ये दोनों जो अल्काइल ग्रुप आ रहे हैं बेटा, इट हैज कम फ्रॉम द ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है। और ये जो अल्काइल ग्रुप है बेटा, ये किसका पार्ट है बेटा, ये आपका एसिड क्लोराइड का। यहाँ तो कोई डाउट है बताओ, पहले कोई भी डाउट है यहाँ तक रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट विद एसिड क्लोराइड एंड एस्टर, दोनों सेम मैकेनिज्म के वर्ज के ऊपर है बेटा, सी एल इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। अब वहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, आर ओ नेगेटिव लीक कर रहे हैं क्योंकि रिएक्शन आपका थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल है, और जब रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल होता है बेटा तो वहाँ पे लिविबिलिटी इज नॉट अ बिग पार्ट। लिविबिलिटी कहाँ पे बिग पार्ट होता है, जब बेटा रिएक्शन आपका काइनेटिकली कंट्रोल हो रहा है, जहाँ पर आप काइनेटिक्स की बात करें, जहाँ पर वेलोसिटी की बात करें, वहाँ पर बेटा लिविबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज थर्मोडायनेमिकली रिएक्शन कंट्रोल है तो वहाँ पर बेटा कुछ ऐसे लिविंग ग्रुप भी हो सकते हैं जो कि आपको लगता होगा काइनेटिकली इट इज नॉट फेवर्ड, लेकिन थर्मोडायनेमिकली इट विल लीव द ग्रुप। तो थर्मोडायनेमिकली में बेटा प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हो गया आपका रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट, अगेन वी आर गेटिंग 3° अल्कोहल। अब आप मुझे इसके क्वेश्चन बताओगे कि व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे बताओगे कि इस केस में आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा। एक साइक्लिक एस्टर है, इसके रिएक्शन आप करा रहे हो CH3MgBr के साथ और ये एक्सेस में है बेटा, और फिर आप रिएक्शन कराने के बाद बेटा आप इसमें डाल रहे हो H3O+। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम, जो मैकेनिज्म बताया है उसी को रेप्लिकेट करोगे, सेम मैकेनिज्म को रेप्लिकेट करोगे जो बताया है, और मुझे आप प्रोडक्ट बताओ। रिएक्शन ऑफ साइक्लिक एस्टर विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट, तो फर्स्ट में बेटा क्या होगा, नंबर वन स्टेप में क्या हो जाएगा, यू हैव टू डू द सेम थिंग। तो यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ, कल दिखा दो आपको, फर्स्ट स्टेप में वही काम करना है, आपको ग्रिगनार्ड को एस्टर के ऊपर ऐड कराना है। नंबर बस क्या है बेटा, वापस ये साइक्लिक एस्टर है, इसको अल्टरनेटिवली इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूल है और इसकी रिएक्शन करा रहे हो
गेनार्ड रिएजेंट इज आर CsPmgBr CsPmgBr तो ये हो गया प्लस वाला पार्ट, ये हो गया नेगेटिव वाला पार्ट बेटा, ये हो गया इसका नेगेटिव वाला पार्ट और ये हो गया प्लस वाला। तो नंबर वन स्टेप में क्या होगा, ये जो सी एस पी ग्रुप है इस पर अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड क्लीव आउट होगा। वही मैकेनिज्म रेप्लिकेट करना है जो हमने किया है। ऑक्सीजन पे आ जाएगा बेटा, ओ नेगेटिव आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा सी एस थ्री, इसका काउंटर आयन क्या हो जाएगा एम जी बी आर प्लस। अब क्या होगा बेटा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, दिस लीव द सबस्ट्रेट, ये छोड़ देगा बेटा, क्या बन जाएगा देखोगे डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री ओ पे आ गया नेगेटिव। यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप योर इम्पोजिंग अनदर इक्विवेलेंट ऑफ गेनार्ड रिएजेंट, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा प्लस, ये बॉन्ड क्लीव आउट। ये बन गया बेटा आपको अपॉन द रिएक्शन ऑफ साइक्लिक एस्टर विद गेनार्ड रिएजेंट। इसे मैकेनिज्म क्रूशियल होता है बेटा आपके प्रोडक्ट को फिगर आउट करता है कि प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है। ये सारे स्टेप्स को नोट करोगे बेटा। स्टेप्स कहीं भी कोई डाउट है बताओगे कोई भी स्टेप बेटा, ठीक है। आपका सिर्फ ये स्टेप क्रूशियल है जहाँ पर ओ आर नेगेटिव ग्रुप लीव कर रहा है बेटा, ये स्टेप क्रूशियल है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट स्टेप। इसके बाद बेटा वो क्या मिल जाएगा, यू विल गेट अ कीटोन जो मिलता रहा है बेटा, या तो कीटोन मिल गया, कीटोन और रिएक्ट विद अनदर इक्विवेलेंट ऑफ CH3MgBr, एडक्ट मिल जाएगा, हाइड्रोलिसिस करोगे, यहाँ भी अल्कोहल मिलेगा बेटा और यहाँ भी अल्कोहल मिलेगा। ये क्वेश्चन आई डी में भी आ रखा है। देखो बेटा ये SPO प्लस ऐड करने का क्या बेटा एडवांटेज मिलते हैं कि जो आपका अनरिएक्टेड गेनार्ड रिएजेंट है, सपोज दैट कि कुछ अनरिएक्टेड गेनार्ड रिएजेंट रह गए सब्सट्रेट में रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, तो अनरिएक्टेड गेनार्ड रिएजेंट भी क्या होगा बेटा, वो SPO प्लस के साथ रिएक्ट करके वो एल्केन बना लेगा। तो जो अनरिएक्टेड गेनार्ड रिएजेंट है दैट वुड रिएक्ट विद SPO प्लस रिएक्ट्स विद SPO प्लस एंड गेट्स डीएक्टिवेटेड, गेट्स डीएक्टिवेटेड। इसी को बोलते हैं बेटा क्वेंचिंग स्टेप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं क्वेंचिंग, क्वेंचिंग। वी हैव टू ऐड इट, वी हैव टू ऐड इट टू द रिएक्शन मिक्सचर वेरी स्लोली, टू द रिएक्शन मिक्सचर वेरी स्लोली, क्योंकि गेनार्ड बचा हुआ हो सकता है बेटा, अगर आप एब्रप्टली ऐड करोगे तो आपका रिएक्शन एक्सप्लोड भी कर सकता है, फिर जेंटली ऐड करते हैं, ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं, शेक करते रहते हैं,
That is the way to quench the Grignard, which is unreacted in the reaction. तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म। तो आई होप यार इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आप बेटा एक प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस के तौर पे देता हूँ। आप बेटा क्या करोगे, आप इसका एक बताओगे कि व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर साइक्लिक एस्टर। ये साइक्लिक एस्टर है और इसके रिएक्शन क्या रहे हो एन जी पी आर के साथ। तो पहले ग्रिगनार्ड को रिएक्ट कराओगे एक्सिस में आएगी, और फिर बट हम सेकेंड में क्या करेंगे, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा देन वी विल ऐड एसिडो प्लस। ओके बेटा ये वेरी गुड। तो इसमें मैकेनिज्म प्रैक्टिस कर लोगे सेम है बेटा। अब यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन डाल रखे हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट टाइम कुछ क्वेश्चन है, ये सारा प्रैक्टिस करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्शियरी अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एस्टर टू एसिडो ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब आप मुझे सोचने में इसके बताओ कौन सा प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। अगर आपने मैकेनिज्म समझाए तो आपके दो मेटर क्वेश्चन। बी पार्ट क्या है बेटा, फॉर दोज अल्कोहल दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एस्टर विद एसिड ग्रिगनार्ड रिएजेंट, व्हाट एस्टर एंड व्हाट ग्रिगनार्ड रिएजेंट शुड बी यूज्ड। थर्ड पार्ट ये बेटा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ मिथाइल फॉर्मेट विद एसिड ग्रिगनार्ड रिएजेंट। मिथाइल फॉर्मेट क्या होता है बेटा, एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच बेटा, आपको मिथाइल फॉर्मेट एस्टर है। आपको ये बताना, ये तीन क्वेश्चन है बस बेटा। आपको एक से ध्यान रखना है बेटा कि जब भी आप गौर से देखना, आप क्या कर रहे हो, आप रिएक्शन करा रहे हो किस एस्टर का, जब भी आप एस्टर का रिएक्शन करा रहे हो ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ बेटा, ठीक है। तो आपका जो टर्शियरी अल्कोहल में जो बेटा आपका आर ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो दो आर ग्रुप बेटा सेम होना चाहिए। ये बना लोगे क्योंकि दो आर ग्रुप सेम हो जाएगा, ये नहीं बना पाओगे क्योंकि तीनों डिफरेंट यू कैनॉट मेक दिस। ये कैसे बनेगा बेटा, ये बनेगा कीटोन ले लो और कीटोन की रिएक्शन ग्रिगनार्ड रिएजेंट से करा लो, लेकिन एस्टर की तो आप नहीं बना पाओगे क्योंकि दो आपके सेम अल्काइल ग्रुप्स रहेंगे, तो ये नहीं बना पाओगे। तीसरा देखोगे ये भी नहीं बना पाओगे यार, क्योंकि तीनों अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट है। ये देखोगे ये बना लोगे, ये देखोगे ये भी बना लोगे, ये देखोगे बेटा ये भी बना लोगे। एक दो कौन सा नहीं बनेंगे बेटा, इसमें तीनों अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट है। इन दैट केस यू कैन नॉट मेक इट बाय मींस ऑफ एन एस्टर, ठीक है। आप एस्टर भी नहीं बना पाओगे, यू कैन नॉट मेक इट थ्रू एस्टर। तो आपका सेकेंड थर्ड और फिफ्थ मॉलिक्यूल है बेटा एस्टर के थ्रू नहीं बना पाओगे, ठीक है। आपको एस्टर यूटिलाइज करना, देखो यहाँ पर डेलीवेटली आपको एस्टर